दुलगु ब्रदर्स आरा नफ्शी वर्सेस दुलगु ब्रदर्स, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। ग्रुप बी का पहला सेकंड राउंड का मैच खेलने के लिए आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे और इस समय मैच चलता है। सारसी जो कि आक्रमण कर रहा है, टच चक्कर लगाने के बाद गेंद को दबानी थी जरूर। काफी शुद्ध उछाल के साथ ताली गेंद को प्रयास था, हेडर वाला छुट्टी गेंद टप्पा करने के बाद छेदा बना, दोबारा प्रयास है गेंद को डालने की कोशिश की थी जरूर। इस समय गोल की छोटे पास के रूप में इस्तेमाल किया मैच डिफेंडर के लिए, मैच डिफेंडर है लेफ्ट विड फील्डर के लिए, लेफ्ट विड फील्डर का लगा दिया तरफ में रखी गेंद को और टूल करते हुए ले जाते हुए विकेट के पास गेंद और उन्होंने बाएं पास से सफल नंबर के लिए गेंद को पास किया है। बाएं छोर से बनाने की कोशिश करता है, करना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं छोटे पास के बाद इस बार अच्छी तालमेल बनाता है लेकिन छीने में सफल हुए थे जरूर। दोबारा हवा को छाला गेंद को साफ नंबर के लिए छीने अंकल की उन्होंने समानांतर पास खेला, नौ नंबर के साथ तालमेल बनाए देखना पड़ेगा क्या करते हैं। छक्का देने की भरपूर प्रयास छक्का के साथ जाना चाहते थे लेकिन छीनी गई गेंद से जी मुकंदर मैम और ये पास इस्तेमाल देते हुए अच्छी तालमेल के साथ सुपर कमबैक बनाना चाहते थे लेकिन काफी सुंदर लेकिन छीनी गई गेंद से दोबारा प्रयास के लिए दौड़ पड़े थे जरूर लेकिन 18 नंबर का समानांतर पास खेला अच्छी मौका बनाने के लिए अच्छी तालमेल में आता हुआ पर आक्रमण का भवन पर जाते हुए दूसरे ही तांगत पे गेंद को किक किया था लेकिन कोई कीपर काफी चौकन्ना काफी स्फूर्ति के साथ गेंद को लपक लिया उन्होंने। छुट्टी गेंद से फिर से 12 नंबर को मिलता हुआ फिर करते हुए आगे बढ़ते हुए दाएं छोर से आक्रमण करने की कोशिश में देखना पड़ेगा क्या कुछ करता है लेकिन छीनने में सफल। 10 नंबर के लिए गेंद को पास किया विकी ने गेंद को दिया है हम जो खेलेगा नगरी को ना इधर ये महेंद्र ये अच्छा आता है यार देखो ये तो करेगा यार मतलब इनके मतलब नंबर नहीं देते नहीं लेकिन तभी ये किसी के पास किया है लेकिन तभी अंदर में भी वहाँ आगे की तरफ बढ़ाया गया तो 17 नंबर से खेले यहाँ पर 14 नंबर को मिलता हुआ बबलू के पास आ गए बबलू ने खिलाड़ी को चप्पा दी और अच्छी पीन किया है देखना पड़ेगा मौका बनाने की कोशिश ऐसा सब पर फिर देखना पड़ेगा गेंद को रोकने में सफल और अगली चाल का साथ फिर से मिलता हुआ और अगली चाल का साथ इस समय फिर से देते हुए बबलू पीछे की तरफ पास किया और इस समय फिर उसने ज्यादा जिले बाई तरफ से आक्रमण करने की कोशिश करता हुआ निकलना पड़ेगा छोटे पास के इस्तेमाल बाई छोटे आक्रमण बनाने की कोशिश लेफ्ट विंगर के पास अगेन लेकिन इस्तेमाल किया राइट मिडफील्डर के लिए राइट मिडफील्डर का नियंत्रण करने के पश्चात छह नंबर के सिद्धर विकेट लेकर के पास किया देखना पड़ेगा तालमेल बनाने की कोशिश में छह नंबर ने अच्छी प्रयास था लेकिन छीने में सफल डिफेंडर की सूझ बूझ तेजी से गेंद को ले जाते हुए 10 नंबर के गेंद को पास किया 10 नंबर नियंत्रण करने के बाद देख रहे हैं लक्ष्य की तरफ देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं चप्पा देने के भरपूर प्रयास देख रहे हैं कुछ चप्पा दिए और किक किया था गेंद को लेकिन सीधे गोलकीपर के सीधे उन्होंने किक की और फिर से नियंत्रण करने के बाद इस समय सासी अपने नियंत्रण में 12 नंबर के पास गए चप्पा देने के बाद सीधे 16 नंबर के गेंद के पास गया 16 नंबर अपने नियंत्रण में ली देखना पड़ेगा और अच्छी क्रॉस डाला यहाँ पर मौका है जरूर 7 नंबर में मौके जरूर मौका था यहाँ पर लेकिन डिफेंडर ने इस गेंद को रोकने में सफल और क्लियर करने में सफल और वापसी के मैन डिफेंडर ने वापसी इस समय गेंद मैन डिफेंडर ने नियंत्रण करने के बाद 4 नंबर के लिए गेंद को पास किया जो कि लेफ्ट मिडफील्डर के रूप में खेलते और आगे बढ़ाना चाहते लेकिन उससे पहले फिर से मिलता हुआ मुकुंद नगर पीछे की तरफ पास ही रास्ता पट के लिए स्ट्राइकर काफी शिद्दत अपने लिए तरफ है छोटे पास की इस्तेमाल देखना पड़ेगा गलत पास ही यहाँ पर चप्पा देवी फिल्डर ने एसआरसी के आगे बढ़ता हुआ बार नंबर ब्रेक पास की अच्छी तालमेल बनाता हुआ यहाँ पर 7 नंबर के साथ खेले उन्होंने और चप्पा देने की कोशिश पीछे की तरफ पास खेला मिडफील्डर के साथ और मैन मिडफील्डर को देते हुए मैन डिफेंडर के पास ब्रेक पास हुई अपने ही खेले काफी अच्छी
फुटबॉल खेलते हुए यहाँ पर तालमेल बनाता हुआ लेकिन रोकने में तेरी हुई को पार चलाने में और लाइन से बाहर जा चुकी थी इसलिए थ्राई का मौका मिलेगा कौन सी टीम विजय से हासिल करेगी इस राउंड का कुक्षी का अंतिम मुकाबला में एसआरसी और मुकुंद मेमोरियल के बीच जो कि मुकुंद मेमोरियल की टीम सफेद जर्सी पर खेलती है और एसआरसी की टीम नीली जर्सी पर खेलती है थ्रॉइन होने के बाद में और चप्पा देते हुए काफी तेज तलवारी के साथ 14 नंबर बबलू के पास खिलाड़ी को चप्पा दिया और अच्छी को डालना चाहते थे लेकिन डाल नहीं पाया और फर्स्ट बॉल से ही तुलगु ब्रदर्स आरएन एफसी और तुलगु ब्रदर्स आपके टीम में बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए अकबर का मोमेंट पड़ा था एक खिलाड़ी को चकमा देने वाले यहाँ पर की लेकिन इस बार भी गोलकीपर की दस्तान दोनों टीमें शून्य शून्य के मुकाबले पर खेलती हुई बहत्तर का पहला खेल चलता हुआ सुंदर उछाव के साथ लेकिन गोलकीपर की दस्तान कहना पड़ेगा यहाँ पर गोलकीपर काफी सुंदर गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए 17 नंबर एक पास की ऑर्डर है अपने नियंत्रण में ली गेंद को छोटे पास की इस्तेमाल करते हुए तालमेल बनाता हुआ 14 नंबर के पास है गेंद बबलू सुंदर उछाल के साथ दी यहाँ पर लेकिन 3 नंबर एसआरसी के तालमेल बनाता हुआ चप्पा देने की कोशिश दो खिलाड़ियों को चप्पा देने के बाद पीछे की तरफ पास करना चाहे लेकिन गलत पास ही उसका फायदा लेते हुए मुकुंद मेमोरियल की टीम ने काफी तेजी से गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश की शमा 17 नंबर ने दूर से ही किक करना चाहते थे लेकिन इस बार भी गोलकीपर का सीध में और नौ नंबर को थ्री पास देते हुए एसआरसी के नौ नंबर ने सुंदर पास खेलते हुए आगे बढ़ता हुआ आई जोर से ले जाने की कोशिश में और यहाँ सुंदर स्ट्राइकर के लिए स्ट्राइकर 7 नंबर ने विंगर के लिए गेंद को पास किया नियंत्रण की गिर पड़े थे जरूर राउंड से भी हवा पर किक भी हुई और लंबी उछाल के साथ सीधे 10 नंबर के लिए गेंद को पास किया है विकी के पास एक गेंद अपने नियंत्रण में लेकर यहाँ पर अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश तीन डिफेंडर मौजूद है यहाँ पर अपील भी हुई थी लेकिन इस अपील को नकारते हुए रेफरी बोला फिर से मौका बनाने के लिए यहाँ पर मुकुंद मेमोरियल कोबरिंग करना चाहा और इस कोबरिंग मौका बनाने की भरपूर प्यार अच्छी स्विंग हुई थी गेंद दस्तानों से छुट्टी गेंद और गोल होता हुआ अच्छी स्विंग यहाँ पर डाला था कहना पड़ेगा थर्टीन नंबर के प्लेयर ने बॉल दागा था बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मुकुंद मेमोरियल की तरफ है जयराम खासदा नियंत्रण की कोशिश तेजी से जाते हुए देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं और बैक पास ही सीधे बबलू के लिए बबलू ने नियंत्रण किया सुंदर किक यहां पर पोस्ट में डालने की कोशिश लेकिन गोलकीपर के दस्ताना पर और थ्री पास देते हुए सीधे 6 नंबर के लिए राज के लिए राज ने अपने सुंदर तरीके से गेंद को आगे बढ़ाते हुए राज ने छोटे पास देना चाहते थे लेकिन चीनी की गेंद और यह पास हुई और बिक्की को मिलता हुआ गेंद बिक्की ने नियंत्रण की और अपने कब्जे में ली और आगे बढ़ाने की कोशिश में देखना पड़ेगा क्या कुछ करता है चप्पा देने की कोशिश सफल भी हुए तो खिलाड़ी को ट्रिपल की उन्होंने और बैक पास करना पड़ा क्योंकि मिले थे और बबलू को मिलता हुआ बबलू ने नियंत्रण किया और शानदार किक कहेंगे लेकिन गोलकीपर उतने ही चौकन्ना कोई परेशानी नहीं और फल पाते हुए
सुंदर नियंत्रण करने के बाद शिविर करते हुए आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर देखना पड़ेगा। तीन नंबर को मिली है गेंद, संदीप ने पास किया है सीधे 14 नंबर के लिए के लिए, लेकिन उससे पहले गेंद को नियंत्रण करने में सफल। जयराम ने पास खेला सीधे बबलू के लिए, छकला गेंद को हवा में है जरूर गेंद, मैन डिफेंडर ने गेंद को फिर से रोका, फिर से 3 नंबर को मिलता हुआ संदीप से छुट्टी गेंद और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश। 10 नंबर विक्की को मिलता हुआ तेजी से आक्रमण का निर्माण करता हुआ और किक की थी जरूर विक्की ने, उछला है ज्यादा गेंद पर और सीधे मैदान से विक्की बोधरा और फिर से खेल शुरू होता हुआ लंबी चाल के साथ देना चाहते थे। ललित के लिए डालना चाहते थे और गेंद चली गई है मैदान से बाहर और अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे अरुण एफसी और तुलगु ब्रदर्स। अरुण एफसी और तुलगु ब्रदर्स आप दोनों टीम है बिल्कुल तैयार होकर हमारे फोर्थ ऑफिस में आ जाएंगे और काफी सुंदर चप्पा देने के पश्चात संदीप ने आगे बढ़ाई थी गेंद को, लेकिन इस समय 16 नंबर को मिलता हुआ गेंद अजय, अजय ने अपने नियंत्रण में लेकर सीधे पास खेला है समानांतर लखिंदर के लिए और अजय के साथ तालमेल बनाता हुआ काफी सुंदर अजय और लखिंदर तालमेल बनाकर खेल रहे। बबलू को भी साथ में लिए और आगे विंगर के लिए गेंद को बढ़ाया है और 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद बातों के लिए, लेकिन इसी बीच गेंद को अच्छी कोश डालना चाहते थे विक्की के लिए देना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने रोका गेंद को हवा में चलाया सीधे 7 नंबर सौगा के लिए देना डाली है हवा में है गेंद हेडर दौर वापस हुई हवा में इस समय भी 19 नंबर को मिलता हुआ आक्रमण का मूवमेंट करते हुए देखना पड़ेगा छोटे पास का इस्तेमाल जरूर, लेकिन डिफेंडर ने रोकने में सफल और फिर से मुकुंद नगरे बबलू ने 12 नंबर मैन डिफेंडर के लिए गेंद को पास किया है सागर के लिए देना चाहते थे। 17 नंबर ने हेडर द्वारा पास की है देखना पड़ेगा टप्पा खाने के बाद 16 नंबर के पास है गेंद अजय अपने नियंत्रण में लेना बैक पास की ऑर्डर है और मिडफील्डर ने आगे बढ़ाई गेंद को राइट विंगर के लिए राइट विंगर के रूप में पिकी यहाँ पर मौजूद और बैक पास की ऑर्डर है और 16 नंबर के लिए अजय के लिए अजय ने लंबी उछाल फिर से पिकी को देते हुए अच्छी तालमेल बनाता हुआ एक खिलाड़ी को चप्पा देने के बाद पिकी तेजी से अपना नियंत्रण में और देखना पड़ेगा क्रॉस डाली थी लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी इसलिए खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाया और चले गए मैदान के बाहर। थ्रोइंग होता हुआ लंबी थ्रोइंग लंबी पास उछली हुई गेंद हेडर दौर वापस हुई और जयराम के लिए गेंद को पास किया है देखना पड़ेगा फिर से 7 नंबर को मिलता हुआ छीनने की कोशिश अच्छी तालमेल बनाता हुआ अच्छी टेक्निक पास देते हुए विंगर के पोजिशन में आता हुआ खिलाड़ी को मिलता हुआ अब देना चाहते थे फिर से मौका बनाने की कोशिश 14 नंबर के पास बबलू के पास है गेंद बबलू ने नियंत्रण किया खिलाड़ी को चकमा दी उन्होंने और बैक पास खेला उन्होंने जयराम के साथ जयराम ने नियंत्रण किया लेकिन उससे पहले एसआरसी के खिलाड़ी ने गेंद को नियंत्रण किया सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी 3 नंबर को मिलता हुआ संदीप के पास संदीप ने खिलाड़ी को चकमा दी और सुंदर पास खेलता हुआ ललित के लिए ललित ने 2 खिलाड़ी को चकमा देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाया और जयराम ने इस गेंद को क्लियर किया और इसे अजय दौड़ कर लेने की कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया मैदान से बाहर चली गई थी। थ्रोइंग होने के बाद फिर से अपने नियंत्रण में लेकर देखना पड़ेगा संदीप से छुट्टी थी गेंद फिर से 16 नंबर को मिलता हुआ ललित ललित के पास खेला है 14 नंबर संदीप के लिए संदीप ने नियंत्रण किया गेंद को एक चक्का देते हुए तेजी से आक्रमण का मूवमेंट के लिए जाते हुए देखना पड़ेगा दो थ्रोइंग को चक्का देने की कोशिश में छीनी गई गेंद और पास खेला है पर हेडर द्वारा प्रयास किया था गेंद छोटे छोटे पास के इस्तेमाल और चक्का देते हुए तेजी से जाता हुआ देखना पड़ेगा रोकने की कोशिश 6 नंबर ने मैन डिफेंडर के लिए खेला मैन डिफेंडर अपने नियंत्रण में ली चिंटू ने गेंद को दी थी यहाँ पर फिर से संदीप से छुट्टी गेंद और मेमोरियल मुकुंद मेमोरियल के खिलाड़ियों ने तेजी से गेंद को आगे बढ़ाता हुआ 17 नंबर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में बाई तरफ संक्रमण बढ़ाने की कोशिश करता हुआ छोटे पास के इस्तेमाल विक्की के लिए गेंद के पास के विक्की ने खिलाड़ी को चकमा दिया ऑर्डर है देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं 17 नंबर पास खेला है बबलू के लिए बबलू ने नियंत्रण किया था गेंद को लेकिन डिफेंडर ने गेंद को राज ने गेंद को निकालने में सफल राज के पास है गेंद
आप सीधे ललित के लिए गेंद को पास किया, ललित ने अपने नियंत्रण में लेकर आगे बढ़ाते हुए एक खिलाड़ी को चक्का दी उन्होंने सोलह नंबर के पास ही गेंद देखना पड़ेगा क्या करते हैं और शबा साहिल के पास गेंद साहिल ने सुंदर क्रॉस डाला हिम्मत का ललित के हेडर देखना पड़ेगा गोलकीपर चेक करना पंच मात्र की और गेंद चली गई बता गोलकीपर को यहाँ पर तारीफ करनी होगी एक कॉर्नर का मौका जरूर है और सुंदर उछाल के साथ डाली थी आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए तब पकाने के बाद सत्र नंबर के पास गए सुंदर ऋषभ भाई मुकुंद भाई बरियल पांच छह सा कर्म बनाने की कोशिश अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए और यहाँ तेजी से लेना चाहते थे लेकिन चिंटू डिफेंडर ने गेंद को क्लियर करना चाहा लेकिन टकराई थी दोबारा क्लियर से और इस गेंद को डिफेंडर ने हवा में उछाल कर जयराम को मिलता हुआ जयराम ने लुढ़कते हुए जाने दिया मैदान से बाहर और थ्रो इन का मौका मिलेगा जयराम करते हुए इस समय अच्छी तालमेल बनाता हुआ हवा में जरूर खेला था बाहर से भी नियंत्रण करने के बाद अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश में इस समय सोलह नंबर को मिलता हुआ अजय और अजय ने विकी के लिए गेंद को पास किया विकी ने पीछे की तरफ गेंद को ले जाने की कोशिश एक खिलाड़ी को चप्पा देने के बाद तेजी से आक्रमण का मूवमेंट के लिए ले जाता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं बबलू गेंद को आगे बढ़ाया पर उछली पास डाली है लेकिन डिफेंडर मौके पर विक्की आने का फिर से मौका फिर से विक्की को मिली है गेंद विक्की ने समानांतर पास खेला सत्रह नंबर के लिए उन्होंने पेड़ पास बबलू के लिए बबलू ने नियंत्रण किया गेंद को और अच्छी तालमेल बनाता हुआ मौका मूवमेंट है यहाँ पर देखना पड़ेगा लेकिन गोलकीपर के सीध में और गोलकीपर अपने में सफल और इस बीच रेफरी महोदय की लंबी शीटी और खेल समाप्ति का घोषणा और इस मैच को